आम लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य को लेकर शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के छात्रों ने तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली। इस तिरंगा साइकिल यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल हुए। शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर संजय ओझा ने हरी झंडी दिखाकर इस तिरंगा साइकिल यात्रा को रवाना किया। तिरंगा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए शारदा पब्लिक स्कूल पहुंची और वहां से वापस शकुंतला विद्यालय पहुंची। तिरंगा रैली के दौरान बच्चों ने और अध्यापकों ने आजादी के नारे लगाए और सभी को आजादी के पर्व की बधाइयां दी और लोगों को उत्साहित भी किया कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सभी अपने घर तिरंगा लगाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज हमारे शकुंतला विद्यालय के बच्चों के द्वारा हम लोगों ने तिरंगा रैली का आयोजन किया और ये रैली पूरे रामनगर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए, कैंप का भ्रमण करते हुए वापस विद्यालय में समाप्त हुई है। तिरंगा रैली के मार्फत से हम लोग पूरे भारत में ये संदेश देना चाहते हैं अपने स्कूल के बच्चों के मार्फत से, अपने क्षेत्र के वासियों के मार्फत से, कि आज़ादी के हम सब दीवाने हैं और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हम सब की उतनी भागीदारिता रहेगी जितना पूरे देश का है। लगभग 300 से लगभग 250 से 300 बच्चों लोगों ने पूरे इसमें पार्टिसिपेट किया। सर हो तो साहब बच्चों से ही पूछ लिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ हमने रैली निकाली थी, बच्चों से ही पूछ लीजिए। पूरे रास्ते भर बच्चों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम और जय जवान जय किसान का रैली लगाया और पूरे क्षेत्र में इनको इनके जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था सर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी विश माई डियर मास डियर पब्लिक अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Today I'm feeling very proud because we organized a cycle rally dedicating to our motherland, and I hope that, and I'm very sure that the energy among the students is increasing day by day, and today I found that gesture in them. So I'm very proud and I'm very happy to be the part of this institution because I'm feeling that spark inside our students. The patriotism, the feeling of patriotism and the dedication towards our motherland. So it's a very positive thing. And our PM Modi, our Honorable Prime Minister, he also warns the same thing that more and more patriotism must arise among the youth. So this is the beginning and I'm sure that we will be increasing this motive day by day.